हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फैलियर टू सक्सेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक सेट लेकर आए हैं, जो आपके एलडीसी एग्ज़ाम, चाहे वो एपीओ का एग्ज़ाम हो 70%, 30% एओएम का एग्ज़ाम हो, एसीएम का एग्ज़ाम हो, एडब्ल्यूई का एग्ज़ाम हो, एडीएसटी का एग्ज़ाम हो, या एडब्ल्यूएम एएमई का एग्ज़ाम हो, उसमें ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन से स्पेशल क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी जो तैयारी है उसको और अच्छे से बनाए रखें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ नो रेलवे सर्वेंट शैल बी ग्रांटेड लीव ऑफ एनी काइंड फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड एक्सीडिंग, ऑप्शन की बात करते हैं, 5 ईयर, 4 ईयर, 3 ईयर एंड 2 ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी रेलवे एम्प्लॉयज को या सर्वेंट को, रेलवे सर्वेंट को लगातार कितने दिन से, कितने साल से या कितने दिन से अधिक की लीव ग्रांटेड नहीं की जा सकती। तो ऑप्शन यहाँ पर साल में दिया गया है, 5 ईयर, 4 ईयर, 3 ईयर एंड 2 ईयर। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 5 ईयर। किसी भी रेलवे एम्प्लॉयज़ को लीव रूल में, मैंने आपको बताया था, अगर आपने लीव रूल का वीडियो नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। लीव से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो उस वीडियो से टोटली कवर हो जाएंगे, लेकिन ये स्पेशल सेशन है जिसमें मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे, तो इसलिए आप इस वीडियो को तो पूरा देखें ही। तो इसका आंसर है 5 साल, कि किसी भी रेलवे सर्वेंट को 5 साल से ज़्यादा लगातार छुट्टी नहीं दी जा सकती है। अ रेलवे सर्वेंट, सेकंड क्वेश्चन, अ रेलवे सर्वेंट इज एंटाइटल फॉर क्रेडिट ऑफ डेज ऑफ एलएपी इन अ ईयर। एक साल में रेलवे सर्वेंट को कितनी एलएपीज ग्रांट की जाती है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जो 1 जनवरी को और 1 जुलाई को 15-15 डेज की एलएपी एक्सटेंशन होती हैं, तो ये टोटल जो उसका हो जाएगा वो 30 एलएपी इसका आंसर हो जाएगा। लीव ऑन एवरेज पे इज क्रेडिट इन एडवांस इन 2 इंस्टॉलमेंट ऑफ 15 डेज ईच ऑन 1st डे ऑफ, किस किस महीने में ट्रांसफ़र की जाती हैं। तो जैसे मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में बताया कि 1 जनवरी और 1 जुलाई, तो ऑप्शन देखते हैं, 1 जनवरी या 1 जुलाई, 1 जून, 1 दिसंबर, 2nd जून, 3rd जून। तो इसका आंसर 1 जनवरी एंड 1 जुलाई, 1 जनवरी और 1 जुलाई को ये 15-15 की इंस्टॉलमेंट में एलएपी क्रेडिट की जाती है। ऑर्डनरली द मैक्सिमम लीव ऑन अ एवरेज पे दैट मे बी ग्रांटेड एट अ टाइम टू अ रेलवे एम्प्लॉयज सर्वेंट सेल बी कितने डेज, यानी एक बार में मैक्सिमम कितने डेज की एलएपी एवरेज पे, यानी दैट मींस एलएपी लीव ऑन एवरेज पे कितनी, वन टाइम में मैक्सिमम कितने डेज की एलएपी सेंशन की जा सकती है। तो ऑप्शन देखते हैं, 50 डेज, 70 डेज, 120 डेज एंड 180 डेज। तो इसका आंसर हो जाएगा 180 डेज, एक बार में अधिकतम 180 दिन की एलएपी सेंशन की जा सकती है। द अमाउंट ऑफ लीव ऑन हाफ एवरेज पे दैट कैन बी अवेल्ड ऑफ इन वन स्पेल शैल बी लिमिटेड टू हाफ एवरेज पे, यानी यहाँ पर बात की जा रही है एच एल ए पी की, ठीक है। तो ये कितने दिन की हो सकती है, तो ये अधिकतम 2 साल की हो सकती है, बट ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, 20 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ एंड 90 डेज। तो 24 मंथ, दैट इज इक्वल टू 2 ईयर, यानी अधिकतम 2 साल की एल एच ए पी लीव ऑन हाफ एवरेज पे, लीव ऑन हाफ एवरेज पे, यानी LHAP इसकी बात हो रही है। तो एक साल में ये अधिकतम एक बार में 2 साल की क्रेडिट हो सकती है, दैट मीन्स 24 मंथ, और जबकि LAP की जो बात करें वो 180 डेज, यानी 180 डेज की सेंशन की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीव नॉट ड्यू LND जिसे बोला जाता है इज डेबिटेड अगेंस्ट द डैश लीव विच ही इज लाइकली टू अर्न सब्सिक्वेंटली, यानी LND जो लीव है वो किस छुट्टी के अगेंस्ट सेंशन की जाती है, LAP के अगेंस्ट सेंशन की जाती है, हॉस्पिटल लीव के अगेंस्ट, या LHAP के अगेंस्ट, या LWPD लीव विदाउट पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि जो LND जो होती है, LND क्या है, लीव नॉट ड्यू, किसी प्रकार की जब कर्मचारी के पास छुट्टी नहीं होती है तो वहाँ लीव नॉट ड्यू छुट्टी ग्रांट की जाती है। तो लीव नॉट ड्यू जो छुट्टी होती है वो जो LHAP जो छुट्टी भविष्य में क्रेडिट होने वाली है उसके आधार पर
एडवांस में क्रेडिट की जाती हैं। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, तो LAP ऑप्शन है, हॉस्पिटल लीव ऑप्शन है, और LHAP। तो ये हॉस्पिटल लीव नहीं होगा, LAP नहीं होगा, हो जाएगा LHAP। इसके बिहाफ पर कि भविष्य में इतनी LHAP मिलेंगी, यानी अगले साल में 10-10, क्योंकि जो LHAP है वो 10-10 के अमाउंट में क्रेडिट होती है, यानी साल में 20 क्रेडिट होती हैं। ये भी 1 जनवरी एंड 1 जुलाई को क्रेडिट होती हैं, तो इसके आधार पर ही लीव नॉट ड्यू सेंक्शन की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, इनकैशमेंट ऑफ LAP अप टू कितने दिन का LAP इनकैशमेंट कराया जाता है, सेल नॉट एक्सीड इन एंटायर कैरियर, यानी पूरी सर्विस में अधिकतम कितने दिन की LAP इनकैशमेंट हो सकती है, तो 30 डेज, 60 डेज, 20 डेज एंड 10 डेज। तो अधिकतम 6 टाइम कर सकते हैं, और 6 1 टाइम में 10 होती है, तो दैट मीन्स 6 × 10 दैट इज 60 डेज, यानी एक बार में अधिकतम 10 LAP को इनकैश किया जाता है। और ऐसा हम कितनी बार करा सकते हैं, पूरी सर्विस में 6 टाइम्स हम ऐसा कर सकते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 × 10 दैट इज 60 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रेलवे सर्वेंट वाइल इन सर्विस कैन इनकैश LAP अप टू एट अ टाइम। देखिए एट अ टाइम की बात हो रही, तो अभी मैंने आपको बताया 10 डेज रहेगा, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 10 डेज। मैक्सिमम ऑफ पैटर्निटी लीव इज डेज एंड सेल बी अवेल्ड विद इन मंथ। जो पैटर्निटी लीव है वो कितने डेज की होती है, पैटर्निटी लीव 15 डेज की होती है, और इसी विद इन 6 मंथ में बेबी बर्थ जो हुआ है उसके 6 महीने के अंदर इसको अवेल करना होता है, और एक साथ अवेल की जाती है, यानी 15 की 15 छुट्टी आपको एक साथ ही अवेल करनी होगी। ऐसा नहीं कि 2 छुट्टी अभी आप ले ली और 10 दिन बाद फिर 2 ले ली, फिर इस तरह से नहीं कर सकते हैं। 1 टाइम में ही रहेंगे, यानी 15 डेज की जो पैटर्निटी लीव है 1 टाइम में हमें सेंक्शन करानी होगी, और विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ, चाइल्ड बर्थ। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, 15 डेज, 6 मंथ, 1 डेज, तो यहाँ पर देखिए यही ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीव इज ग्रांटेड टू अ रेलवे सर्वेंट हु इज डिसेबल्ड बाई इंजरी इन्फ्लिक्टेड और कॉज्ड और इन कंसिक्वेंस ऑफ ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी और इन कंसिक्वेंस ऑफ हिज ऑफिशियल पोजिशन। यानी यहाँ पर बोला गया है रेलवे सर्वेंट को किस डिसेबल्ड होने पर, इंजरी होने की वजह से डिसेबल्ड होना, या ड्यूटी परफॉर्मेंस के दौरान ये कोई इंसिडेंट हो जाए जिससे रेलवे एम्प्लॉई से वो डिसेबल्ड हो जाता है या उसको चोट लग जाती है, तो वहाँ पर कौन सी छुट्टी दी जाती है। तो पहले ये हॉस्पिटल लीव या इंजरी लीव या IOD बोला जाता था, इंजर्ड ऑन ड्यूटी, वो छुट्टी ग्रांट की जाती थी। अब इस छुट्टी को रिप्लेस कर दिया गया है, एक नई छुट्टी इंट्रोड्यूस की गई है, रेल WRIL। ठीक है, तो वो छुट्टी यहाँ पर ग्रांट की जाती है। तो देखिए ऑप्शन, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो मैंने आपको अभी बताया कि ये छुट्टी ग्रांट की जाती है। आगे बढ़ते हैं, फुल पे एंड अलाउंस सेल बी ग्रांटेड ऑन अकाउंट ऑफ WRIL रिल इज फॉर कितने महीने का फुल पे एंड अलाउंस ग्रांट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं, 24 मंथ, एंटायर पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एंड 6 मंथ बियॉन्ड हॉस्पिटलाइजेशन, 32 मंथ एंड 40 मंथ। तो देखिए जितने दिन भी हॉस्पिटलाइजेशन जो भी पीरियड रहेगा उतने दिन तक तो हमें पूरा पे मिलेगा और अलाउंस जो भी हमारे रहते हैं वो मिलेंगे। हॉस्पिटलाइजेशन के बाद 6 महीने तक ऐसा और होगा, यानी हॉस्पिटलाइजेशन एंड 6 मंथ बियॉन्ड हॉस्पिटलाइजेशन, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। उतने दौरान तक हमें फुल पे एंड अलाउंस मिलेगा, उसके बाद 6 महीने बीत जाने के बाद हाफ हो जाएगा अलाउंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीरियड ऑफ स्टडी लीव फॉर टेक्निकल कोर्स सेल बी ग्रांटेड टू अ रेलवे सर्वेंट इज। ठीक है, स्टडी लीव का पीरियड क्या होगा, ऑप्शन देखते हैं, 4, 3, 2 एंड 6। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है जो स्टडी लीव का पीरियड रहेगा 4 ईयर रहेगा, 3 ईयर रहेगा, 2 ईयर रहेगा या 6 ईयर रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ईयर। स्टडी लीव के लिए जो पीरियड रहता है वो 2 ईयर का जो स्टडी लीव है वो ग्रांट होती है, यानी स्टडी लीव 2 साल के लिए ग्रांट की जाती है। वन टाइम्स में इसे 180 डेज का सेंक्शन किया जाता है और इसे एक्सटेंड अप टू 2 ईयर तक कराया जा सकता है। वॉट इज द स्टडी लीव का, एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है चैनल पर, आई बटन पर आप जाके देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक इसकी डाल दूंगा, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें स्टडी लीव को हमने पूरा कम्प्लीटली कवर किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द स्टेचुअरी लिमिट ऑफ आवर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए अब यहाँ जो क्वेश्चन आ गए हैं वो जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन है, HOER, आवर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वर्क
आवर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वर्क एंड रेस्ट आवर, इसके बारे में ये क्वेश्चन दिए गए हैं। व्हाट इज द स्टेचुअरी लिमिट ऑफ आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंटेंसिव कैटेगरी। देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, तो पूछा जा रहा है स्टेचुअरी लिमिट फॉर इंटेंसिव कैटेगरी एम्प्लॉय इन वीक, वीक में कितना पूछा गया। तो देखिए दोस्तों मैं इसको पहले आपको बता देता हूँ इससे किस तरह से आप इसको याद रखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटेंसिव कैटेगरी, फिर हम बात करते हैं, चलिए इसको मैं सेपरेट पेज पे बताता हूँ आपको। देखिए आप ये टेबल इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले इंटेंसिव कैटेगरी, फिर कंटिन्यूस कैटेगरी, फिर ईआई कैटेगरी। ये तीन कैटेगरी को आपको याद करना है। इनका जो रोस्टर आवर होता है वो देखिए कितना होता है, तो इंटेंसिव कैटेगरी का 42 होता है, कंटिन्यूस कैटेगरी का 48 होता है, और ईआई कैटेगरी का 48 प्लस एक्स्ट्रा आवर रहते हैं, तो एक्स्ट्रा आवर इसके 12 या फिर 24 ऐड होके होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने आपको बताया रोस्टर आवर। इसमें इसके अलावा जो इसमें पी एंड सी जो चार्ज होता है, प्रेपरेटरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री चार्ज, वो कितना होता है, वो घंटे में 3 घंटे रहेगा इसमें, और इस केस में जो हो जाएगा वो हमारा 6 आवर हो जाएगा, और यहाँ जो होगा वो हमारा 4.5 घंटे का हो जाएगा, और इस केस में हमारा जो हो जाएगा 3 घंटे का हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अब हमारा टाइम आएगा वो स्टेचुअरी आवर की बात होगी, स्टेचुअरी लिमिट जो होगी वो मैक्सिमम कितना वीक में हम वर्क करा सकते हैं। तो 42 प्लस 3 यानी हमारा हो जाएगा 45 डेज, 48 प्लस सी ये हो जाएगा हमारा 54 डेज, और 48 प्लस 12 ये हो गया 60, और 60 में ये ऐड हो जाएगा तो 64.5 डेज हो जाए आवर हो जाएगा, और 48 प्लस 12 70 हो जाएगा, और ये 3 मिला के 75 आवर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इंटेंसिव कैटेगरी के लिए पूछा था, इंटेंसिव कैटेगरी का कितना हो जाएगा, तो स्टेचुअरी लिमिट हो जाएगी हमारी 45 आवर्स। ठीक है, व्हाट इज द स्टेचुअरी लिमिट ऑफ आवर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंटिन्यूस कैटेगरी। कंटिन्यूस कैटेगरी के लिए देखिए सी कंटिन्यूस हो गया 48 प्लस 6 यानी 54 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 54। इसी तरह से अगर ईआई कैटेगरी में, ईआई कैटेगरी में दो होता है 48 प्लस 12 प्लस 4.5 दैट इज 64.5, और नेक्स्ट हो जाएगा 75, तो ये ईआई कैटेगरी के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इस टेबल को आप अच्छे से बना लीजिए और याद कर लीजिए। व्हाट इज द स्टेचुअरी लिमिट ऑफ आवर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ ईआई कैटेगरी। देखिए अभी मैंने बताया था ईआई कैटेगरी के लिए कितना हो जाएगा, तो ईआई कैटेगरी के लिए जो हो जाएगा वो दो तरह का होता है, 64.5 और 75। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखते हैं, 60 आवर, 45 आवर एंड 75 आवर, 54 आवर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 75 आवर। स्टैंडर्ड ड्यूटी आवर, अब देखिए यहाँ पर ड्यूटी आवर पूछ रहे हैं यानी रोस्टर आवर पूछ रहा है ऑफ कंटिन्यूस कैटेगरी। कंटिन्यूस कैटेगरी के लिए मैंने आपको बताया 48 आवर का ड्यूटी रोस्टर आवर होता है या स्टैंडर्ड आवर होता है, जबकि यही अगर आई कैटेगरी इंटेंसिव कैटेगरी के लिए होता तो ये हमारा हो जाएगा 42 आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। वीकली आवर ऑफ ड्यूटी इंक्लूडिंग पी एंड सी। देखिए अब यहाँ पर वीकली आवर की बात हो रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेचुअरी लिमिट भी बोलते हैं, इंक्लूडिंग पी एंड सी प्रेपरेटरी एंड कॉम्प्लीमेंट चार्ज देने का और लेने का जो टाइम होता है वो इंक्लूड करके। किस कैटेगरी की बात हो रही है, कंटिन्यूस कैटेगरी की बात हो रही है। तो कंटिन्यूस कैटेगरी में देखिए जो स्टैंडर्ड आवर होता है वो 48 आवर का होता है, और इसमें 6 आवर और ऐड हो जाता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 54 आवर। ठीक है, वीकली रेस्ट ऑफ इंटेंसिव कैटेगरी। इंटेंसिव कैटेगरी तो देखिए रेस्ट अभी मैंने आपको टेबल में नहीं बताया, तो रेस्ट के लिए मैं बात कर लेते हैं। रेस्ट जो रहेगा आई कैटेगरी, सी कैटेगरी और ई आई कैटेगरी, यहाँ पर रेस्ट हो जाएगा, यहाँ पर लॉन्ग ऑन पीरियड हो जाएगा, और यहाँ पर शॉर्ट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो रेस्ट जो रहता है वो 30 घंटे का रहता है इंटेंसिव कैटेगरी का, और जो कंटिन्यूस है इसका इसका हो जाएगा 24 इंक्लूडिंग नाइट और 30 डेज हो जाएगा। लॉन्ग ऑन इसका 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 12 हो जाएगा। शॉर्ट ऑफ उल्टा कर देंगे, 12, 10 और 8। लॉन्ग ऑन क्या होता है, लॉन्ग ऑन जो है वो टाइम की बात होती है कि किसी कर्मचारी की अगर 8 से ज़्यादा घंटे हो जाएंगे, किस केस में, इंटेंसिव कैटेगरी में, तो उसे लॉन्ग ऑन पीरियड बोला जाएगा। ठीक है, और कंटिन्यूस में 10 घंटे से ज़्यादा अगर उसके ड्यूटी आवर हो जाएंगे तो वो कंटिन्यूस कैटेगरी के लॉन्ग ऑन कहलाएगा। इसी तरह से शॉर्ट ऑफ क्या होता है, विश्राम की जो एक निर्धारित अवधि है उससे पहले ही उसको ड्यूटी पर बुला लेना। तो शॉर्ट ऑफ जो आवर होता है, अगर इंटेंसिव कैटेगरी का एम्प्लॉय है तो उसके लिए जो शॉर्ट ऑफ पीरियड होता है वो 12 घंटे से अगर
कम हो रहा है, यानी उसने 12 घंटे से कम अगर रेस्ट लिया हुआ है तो वो जो है वो शॉर्ट ऑफ पीरियड कहलाएगा, ठीक है। यानी 12 घंटे से पहले ही उसको ड्यूटी पर बुला लेना, वो शॉर्ट ऑफ पीरियड कहलाएगा, ठीक है। वीकली रेस्ट ऑफ इंटेंसिव कैटेगरी मैंने आपको बताया, इंटेंसिव कैटेगरी का वीकली रेस्ट कितना हो जाएगा, 30 नॉट लेस देन 30 या 30, 22 नॉट लेस देन 30, 24 एंड इक्वल टू 30। तो देखिए क्या हो जाएगा, 30 घंटे से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम हाउ मैनी ब्रेक कैन बी देयर इन अ स्प्लिट शिफ्ट, स्प्लिट शिफ्ट में अधिकतम कितने ब्रेक हो सकते हैं। तो स्प्लिट शिफ्ट जो होती है उसमें दो ब्रेक दिए जा सकते हैं, 15-15 मिनट के हो सकते हैं, इस तरह से दो ब्रेक दिए जा सकते हैं स्प्लिट शिफ्ट में, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी आवर ऑफ रेस्ट एन इंटेंसिव कैटेगरी एम्प्लॉय कैन अगेन बी कॉल्ड फॉर ड्यूटी। देखिए इंटेंसिव कैटेगरी के लिए बोला गया है कितने घंटे के आराम के बाद उसे ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है। तो इंटेंसिव कैटेगरी में जो रेस्ट का जो टाइम पीरियड है मैंने आपको बताया, उसका शॉर्ट ऑफ पीरियड कितना होता है, इंटेंसिव कैटेगरी का पहला 12 घंटे का होता है। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें, 6 आवर, 12/14 आवर, 10 आवर और 8 आवर। तो यहाँ पर देखिए इंटेंसिव कैटेगरी के लिए 12/14 आवर हो जाएगा, जबकि अगर ये कंटिन्यूस के लिए बोलता तो सी हो जा 10 आवर आंसर होता, और अगर ये EI कैटेगरी का होता तो 8 आवर यहाँ पर हो सकता। अपील अगेंस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैन बी मेड टू, जो एम्प्लॉय का क्लासिक एम्प्लॉयमेंट का क्लासिफिकेशन जो किया गया है उसके अगेंस्ट में अगर अपील करनी है तो किसको की जाएगी अपील, जनरल मैनेजर को की जाएगी, DRM को की जाएगी, रीजनल लेबर कमिश्नर को की जाएगी, ब्रांच ऑफिसर को की जाएगी। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर होता है RLC, रीजनल लेबर कमिश्नर, इसके इसको अपील की जाती है अगर जो क्लासिफिकेशन किया गया है एम्प्लॉयमेंट का उसके विरुद्ध हमें अगर कोई अपील करनी है। अपॉइंटमेंट ऑफ रीजनल लेबर कमिश्नर इज मेड थ्रू, रीजनल लेबर यानी RLC का अपॉइंटमेंट किसके थ्रू किया जाता है, रेलवे बोर्ड, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री, लेबर मिनिस्ट्री एंड कलेक्टर। तो देखिए RLC जो होता है वो लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ई कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन विच द एम्प्लॉइज डज नॉट गेट एनी रेस्ट और वेरी लिटिल रेस्ट इन हिज ड्यूटी आवर इज कॉल्ड, ठीक है। किस कैटेगरी में पूछा गया, किस कैटेगरी में एम्प्लॉयमेंट के दौरान यानी उसको ड्यूटी के आवर के दौरान उसे रेस्ट बहुत कम मिलता है या ना के बराबर मिलता है, या तो रेस्ट मिलता ही नहीं है या बहुत थोड़ा सा रेस्ट मिलता है, ड्यूटी के दौरान की बात हो रही है। तो कौन सी कैटेगरी है, इंटेंसिव कंटिन्यूस एसेंशियल इंटरमिटेंट एक्सेलरेटेड। तो जो इंटेंसिव कैटेगरी होती है इस दौरान ऐसा होता है, जबकि कंटिन्यूस रहता है इसमें ड्यूटी के टाइम तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन यहाँ पर रेस्ट जो है वो उसी हिसाब से थोड़ा सा अधिक होता है, 3 घंटे ड्यूटी के दौरान। जो हम बोलेंगे रेस्ट तो नहीं बोलेंगे, उसको बोला जाएगा मेंटल रेस्ट या जो टाइम ऑफ इनेक्शन है या इनएक्टिव पीरियड है जिस दौरान उसको कोई मेंटली या फिजिकली कोई वर्क नहीं करना है बट ड्यूटी पर है, तो इस तरह का जो पीरियड है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो इंटेंसिव कैटेगरी में बहुत कम इस तरह का पीरियड मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ रीजनल लेबर कमिश्नर कैन बी मेड टू सेंट्रल लेबर कमिश्नर विद इन। अब देखिए जो RLC होता है, हमने जो कोई एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉइज था उसका कैटेगरी के उसको अगर मान लें इंटेंसिव कैटेगरी में रखा गया है तो वो उसके अपील कर सकता है, किस पर अपील करेगा वो कि उसे इंटेंसिव कैटेगरी में रखा है। अपील किसको की जाएगी, वो RLC को की जाएगी, लेकिन RLC ने मान लीजिए उस अपील पे सुनवाई करी और एक ऑर्डर निकाला, उस ऑर्डर के विरुद्ध भी हम अपील कर सकते हैं। वो अपील किसे की जाएगी, तो वो अपील की जाएगी सेंट्रल लेबर कमिश्नर CLC। अभी रीजनल लेबर कमिश्नर था, अब ये सेंट्रल लेबर कमिश्नर है। ये कितने दिन में करनी होगी, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 90 डेज का टाइम पीरियड होता है, अपील करने का जो टाइम पीरियड है वो 90 डेज का रहता है, ठीक है। तो आप समझ में हो गए, समझ में आ गया आपको। सबसे पहले जो हम जो भी क्लासिफिकेशन किया गया उसके अगेंस्ट अपील करनी है तो RLC को करेंगे, लेकिन RLC ने अगर कोई ऑर्डर दिया है तो उसके अगेंस्ट हमें अपील करनी है तो वो CLC यानी सेंट्रल लेबर कमिश्नर को करेंगे, और इसके लिए टाइम पीरियड फिक्स किया गया वो 90 डेज में हमें ऐसा करना है। व्हाट इज वीकली आवर ऑफ ड्यूटी ऑफ रेलवे सर्वेंट अदर देन गेटमैन सी केयर टेकर ऑफ रेस्ट हाउस चौकीदार सैलून अटेंडेंट हु हैव नॉट बीन गिवन रेलवे अकोमोडेशन एंड देयर रेजिडेंस इज 1.0 किलोमीटर अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ वर्क, ठीक है। तो ऐसा देखिए जो मैंने आपको EI कैटेगरी बताया था, EI कैटेगरी में
आपको मैंने बताया था 48 आवर प्लस 12 आवर और 24 आवर, ठीक है, यानी यहाँ पर हो जाएगा 60 और यहाँ पर हो जाएगा 72, ठीक है। 48 में 12 ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगा, 48 में 24 ऐड करेंगे तो ये 72 आवर्स हो जाएगा। तो ये 60 आवर जो होता है वो केस होता है कि रेजिडेंस जो है वो 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा की अगर दूरी पर है, ठीक है। एक्चुअल में ये जो 1.5 किलोमीटर होता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 1.0 लिखा हुआ है, तो अगर इससे ज़्यादा किलोमीटर पर उसका वर्क प्लेस से उसका जो रेजिडेंस है, एकोमोडेशन है वो है, तो उस एम्प्लॉयज को 48 प्लस 12 यानी 60 डेज का ड्यूटी आवर या रोस्टर आवर उसका बनेगा। लेकिन अगर वो विद इन 1.4 किलोमीटर रेंज में रह रहा है तो उसको 72 घंटे की उसका 72 घंटे का रोस्टर आवर बनेगा। किस कैटेगरी में? जो गेटमैन है, केयर टेकर और रेस्ट हाउस हैं, चौकीदार हैं, सैलून अटेंडेंट वगैरह हैं, इनका जो ये रोस्टर ईआई कैटेगरी में इनको रखा गया। तो यहाँ पर तो ऑप्शन देखते हैं 60, 45 आवर, 72 आवर, 44 आवर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पहला 60 आवर। अगर यही 1.5 किलोमीटर के अंदर रेंज में आता तो ये आंसर हो जाता 72 आवर्स। सीटीजी इज ग्रांटेड टू रेलवे सर्वेंट हु इज ट्रांसफर्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड इफ ट्रांसफर बिटवीन स्टेशन किलोमीटर की डिस्टेंस। सीटीजी कब का मिलता है? सीटीजी जो मिलता है दो स्टेशनों के बीच की डिस्टेंस अगर कितनी है, कितने किलोमीटर है, तब सीटीजी ग्रांट किया जाएगा। तो 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर और 8 किलोमीटर। तो आंसर हो जाएगा 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर अगर दो स्टेशनों के बीच की डिस्टेंस है, उससे ज़्यादा है, तो उनके बीच में सीटीजी ग्रांट किया जाएगा। सीटीजी शैल बी ग्रांटेड एट द रेट ऑफ। सीटीजी किस रेट से ग्रांट किया जाता है? तो लास्ट मंथ बेसिक पे। तो सीटीजी जो होता है कभी भी 100% नहीं दिया जाता है, 80% इसको ग्रांट किया जाता है। जो भी लास्ट महीने की बेसिक पे रही है उसका 80% इस सीटीजी के रूप में ग्रांट किया जाता है। देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इसलिए आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और एग्ज़ाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन हैं। डैश फॉर्म इज यूज फॉर प्लेसिंग अर रेलवे एम्प्लॉइज अंडर सस्पेंशन। सस्पेंशन के लिए कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है? तो देखिए सस्पेंशन के लिए SF5, SF11, SF1, SF2। SF1 जो होता है वो सस्पेंशन के लिए होता है, ठीक है। SF1 सस्पेंशन के लिए होता है, जबकि SF2 जो होता है डीम टू बी सस्पेंशन। SF2 जो पहला जो SF1 है वो सस्पेंशन के लिए होता है, SF2 जो होता है वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए होता है, ठीक है। SF5 जो होता है वो मेजर पेनल्टीज़ के लिए किया जाता है और SF11 जो होता है वो माइनर पेनल्टीज़ के लिए इशू किया जाता है। तो इसका आंसर है SF1 यानी सस्पेंशन के लिए ये फॉर्म यूज किया जाता है, ठीक है। आंसर क्या है? SF1 सस्पेंशन इज डैश अंडर डी एंड रूल 1968। सस्पेंशन क्या है? कोई पेनल्टी नहीं है, सस्पेंशन नॉट अ पेनल्टी, ये पेनल्टी नहीं है सस्पेंशन, निलंबन कोई भी शास्ति नहीं है। रूल नंबर डैश ऑफ द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन अपीन रूल डील्स विद द सस्पेंशन। कौन सा जो रूल है वो सस्पेंशन के रिगार्डिंग डील करता है? तो सस्पेंशन के रिगार्डिंग जो रूल है वो हम बात करते हैं दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट में शो करें, और अगर आप कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा मुझे लगेगा कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन का आंसर भी आपसे डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश फॉर्म इज़ यूज फॉर डीम्ड सस्पेंशन। अभी मैंने आपको बताया था SF जो फॉर्म है SF2 वह डीम टू भी सस्पेंशन के लिए यूज किया जाता है। SF2, SF1 सस्पेंशन के लिए होता है, ठीक है। SF2 डीम टू भी सस्पेंशन के लिए होता है। तो SF2 जो है वो डीम टू भी सस्पेंशन के लिए यूज किया जाता है। मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड बता दिया, इसको एक वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, उस पर आप जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है, एक ट्रिक बताई है सस्पेंशन फॉर्म जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको याद करने के लिए। 1DAR 5DIP 9CIP इस तरह से एक ट्रिक है। तो 1 सस्पेंशन के लिए हो जाएगा, डीम टू भी सस्पेंशन के लिए हो जाएगा, अलाउंस के लिए हो जाएगा, रिवोक सस्पेंशन के लिए हो जाएगा, 5 जो है हमारा मेजर पेनल्टीज के लिए हो जाएगा। इस तरह से उसमें ट्रिक के द्वारा मैंने सारे स्टैंडर्ड फॉर्म को कवर किया हुआ है।
आई बटन पे आप जाके क्लिक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक में डाल दूंगा, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, SF5 जो हमारा है मेजर पेनल्टीज के लिए यूज किया जाता है, SF4 जो हो जाए सस्पेंशन को रिवोक करना है उसके लिए, और SF1 जो हो जाएगा वो सस्पेंशन के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में डीम सस्पेंशन की बात की थी, तो आंसर हो जाएगा हमारा SF2। रूल नंबर ऑफ द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल डील्स विथ पेनल्टी, पेनल्टी से रिलेटेड जो रूल है वो कौन सा है? तो पेनल्टी से रिलेटेड जो हमारा रूल रहता है वो देखिए कौन सा रूल हमारा पेनल्टी से रिलेटेड है, तो आंसर है इसका हमारा 6। पेनल्टी रिलेटेड हो जाएगा रूल नंबर 6। रूल नंबर 5 जो होता है वो हमारा सस्पेंशन से रिलेट रहता है। ठीक है, तो मैंने आपसे कमेंट में पूछा था 31 का, तो आंसर इसका मिल गया आपको यहाँ पर। ठीक है, डैश फॉर्म इज यूज फॉर इम्पोजिशन ऑफ माइनर पेनल्टी, माइनर पेनल्टी के लिए कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म यूज किया जाता है? SF5 मेजर पेनल्टीज के लिए है, ये मेजर है, आप याद रखिए, पहले जो आता है वो मेजर आता है। SF4 सस्पेंशन रिवोक करने के लिए, SF1 सस्पेंशन के लिए, और SF11 माइनर पेनल्टीज के लिए, तो आंसर हो जाएगा SF11 ऑप्शन नंबर डी। कंपल्सरी रिटायरमेंट ऑब्लिक रिमूवल ऑब्लिक डिसमिसल इज द अंडर डी एंड रूल 1968 किस तरह की पेनल्टी है? पेनल्टी है, नॉट अ पेनल्टी है, मेजर पेनल्टी है, माइनर पेनल्टी है? तो सस्पेंशन रिमूवल, सॉरी कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल, डिसमिसल, ये सारी मेजर पेनल्टीज के पार्ट्स हैं। फॉर्म इज यूज फॉर इम्पोजिशन ऑफ मेजर पेनल्टी, मेजर पेनल्टी मैंने आपको पहले से बता दिया, और SF5 यूज किया जाता है फॉर्म नंबर। मेजर पेनल्टी सेल नॉट बी इम्पोज ऑन रेलवे सर्वेंट विदाउट कंडक्टिंग, मेजर पेनल्टी क्या बिना कंडक्ट किए हुए इम्पोज नहीं की जा सकती? मीटिंग, इंक्वायरी, इलेक्शन, सिलेक्शन, इंक्वायरी, बिना इंक्वायरी के मेजर पेनल्टी इम्पोज नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल नंबर 9 ऑफ द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल डील्स विद द प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग डैश पेनल्टी, कौन सी पेनल्टीज के लिए जो है इंक्वायरी, प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग किस तरह की, तो मेजर पेनल्टी जो है उसके लिए रूल नंबर 9 जो है वो डील्स करता है, जिसमें प्रोसीजर के बारे में बात की गई है। डैश फॉर्म इज यूज फॉर नॉमिनेशन ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर, इंक्वायरी ऑफिसर्स के लिए कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है? जो हमारा रूल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 7 यूज किया जाता है, SF2 डीम टू की सस्पेंशन, SF1 सस्पेंशन के लिए, SF5 मेजर पेनल्टीज के लिए। फॉर्म इज यूज टू अपॉइंट अ प्रेजेंटिंग ऑफिसर, प्रेजेंटिंग ऑफिसर किस में होता है? SF8 में होता है। देखिए इंक्वायरी ऑफिसर मैंने आपको अभी ट्रिक बताई थी क्या है, फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ 1DAR 5 हमारा 5DIP 9CIP। ठीक है, तो 5 बता दिया मेजर पेनल्टीज के लिए। ठीक है, आई यानी रूल नंबर 7 स्टैंडर्ड फॉर्म 7 नॉमिनेशन ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर, एंड स्टैंडर्ड फॉर्म 8 प्रेजेंटिंग ऑफिसर। काउंटिंग देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है इस तरह से, और ये 9 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, 10 8, इस तरह से। ठीक है, तो प्रेजेंटिंग ऑफिसर की अपॉइंटमेंट किससे होता है? SF8 से होता है। द अपील सेल बी परफॉर्म टू एनी हायर अथॉरिटी अदर देन डिसिप्लिन अथॉरिटी, DRM, अपेलेंट अथॉरिटी एंड GM। तो डिसिप्लिन अथॉरिटी के ऊपर की हायर अथॉरिटी के पर ही अपील की जाती है। डैश इक्वल टू लीव ऑन हाफ सैलरी will be drawn in case of employees under suspension, ठीक है, DNS allowance, substance allowance, suspension allowance। तो किस तरह का leave on half salary, यानी उसको half allowance मिलता है, suspension में जो allowance provide किया जाता है उसको बोलते हैं substances allowances। As per rule number 17 under DAR rules, no appeal lies against any order of an नेचर और द नेचर ऑफ स्टेप इन एड ऑफ द फाइनल डिस्पोजल ऑफ अ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि रूल नंबर 17 जो है वो DAR का रूल नंबर 17, नो अपील लाइज, किस तरह के ऑर्डर के विरुद्ध कोई भी अपील नहीं की जा सकती है, माइनर पेनल्टी, मेजर पेनल्टी, इंटरलॉकटरी और नन। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरलॉकटरी। कुछ ऐसे नेचर्स के जो
वो रहते हैं, वर्क रहते हैं, अगर कोई रेलवे पर इस तरह के बिहेवियर या इस तरह का वर्क करता है और उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई की जाती है, तो उसमें कोई भी अपील नहीं की जा सकती है। तो वो रूल नंबर 17 में डिस्कस किया गया है। तो नो रूल नो अपील लाइज, ठीक है। तो रूल नंबर 17 में इंटरलॉकटरी वर्क जो है जो नेचर के या हैं उनके अगेंस्ट रहता है। अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ डिसिप्लिन अथॉरिटी कैन बी परफॉर्म बाय द अपेलेंट इन हिज ओन नेम, डिसिप्लिन अथॉरिटी, अपेलेंट अथॉरिटी एंड जीएम। तो किसके बिहाफ पर वो अपील की जाती है? तो जो जो अपेलेंट होता है वो ओन नेम, अपने नाम के साथ ही, मतलब जैसे अगर मुझे अपील करनी है तो मैं अपने नाम के द्वारा ही उसको अपील करूंगा, डिसिप्लिन अथॉरिटी से, हायर अथॉरिटी जो होती है, अपील करूंगा। रूल नंबर 25 ऑफ द आरएस डीएनए रूल्स, रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन अपील रूल्स, डील्स विद रिव्यू, अपील, रिविजन एंड विटनेस। तो रूल नंबर 25 किसको डील करता है? वो डील करता है रिविजन को, ठीक है। रिविजन किसी चीज की जो रिवीजन है, समीक्षा, जैसे पुनरीक्षा। देखिए रूल नंबर 25 जो है वो जो हमारा है वो रिवीजन को डील, तो रूल नंबर 25 जो है रिवीजन को करता है, जबकि 25 का ए अगर होता है तो वो रिव्यू को करता है, ठीक है। रूल नंबर 25 ए जो है वो रिव्यू के लिए है, जबकि रूल नंबर 25 जो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है तो वो रिवीजन हो जाएगा। तो इसका आंसर है रिवीजन, रूल नंबर 25 ए। देखिए यहाँ पर आ गया 25 ए, तो ये हमारे किसका हो जाएगा? रिव्यू के लिए हो जाएगा। एन अथॉरिटी नॉट लोअर देन शैल इम्पोज द पेनल्टी ऑफ डिसमिस, रिमूवल एंड कंपल्सरी रिटायरमेंट, ठीक है। तो कौन है डिसिप्लिन अथॉरिटी है, यानी डी है, जीएम है, अपीलेंट अथॉरिटी है या अपॉइंटिंग अथॉरिटी है? किसी भी रेलवे एम्प्लॉइज को डिसमिस, रिमूव या कंपलसरी रिटायरमेंट उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी से नीचे का जो है वो व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कोई भी रेलवे एम्प्लॉइज को जिसने भी अपॉइंट किया है उससे लोअर वाला व्यक्ति या पर्सन जो है या ऑफिसर जो है वो उसको डिसमिस, रिमूवल या कंपल्सरी रिटायरमेंट नहीं दे सकता है। तो आंसर है अपॉइंटेड अथॉरिटी। द डिसिप्लिन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुड बी ऑन द डेथ ऑफ अ चार्ज एम्प्लॉय, ठीक है। क्या करेंगे? प्रोसीडिंग जो है, अगर एम्प्लॉय जो है वो उसकी डेथ हो जाती है तो क्या करेंगे? उसको इमिडिएटली क्लोज कर दिया जाता है, यानी उसके अगेंस्ट जो भी कार्रवाई चल रही थी उसको तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाता है अगर रेलवे एम्प्लॉयज की डेथ हो जाती है। What is the time limit for suspension of written statement of defense by the delinquent railway servant? ठीक है, तो यहाँ पर कितनी टाइम लिमिट दी गई है? 6, 7, 5 and 10। कितने डेज की दी गई है? वो 10 डेज की टाइम लिमिट दी गई है रिटन स्टेटमेंट, जो अपना जो भी हमें एक पेनल्टीज दी गई है या जो भी हमें एनआईपी दी गई है उसके अगेंस्ट में हमें अपना स्टेटमेंट, डिफेंस स्टेटमेंट जो है, हम यहाँ पर बात की कि रिटर्न जो डिफेंस स्टेटमेंट है उसके लिए टाइम पीरियड क्या रहता है, तो उसके लिए 10 दिन का टाइम पीरियड दिया जाता है। अपील सेल भी एंटरटेन अनलेस प्रीफर्ड विद इन, जो है अपील के लिए जो टाइम दिया जाता है वो 45 डेज का टाइम दिया जाता है, उसके बाद अपील पर कोई भी विचार नहीं किया जाता है। स्टाफ बेनिफिट फंड SBF वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज, गेस्टेड, नॉन गेस्टेड, ट्रेड यूनियन या ऑल ऑफ द अबव, सभी रेलवे एम्प्लॉयज के, जो भी रेलवे एम्प्लॉयज हैं उन सब के बेनिफिट के लिए बारे में बात करते हैं, चाहे वो गेस्टेड हो, नॉन गेस्टेड हो, ट्रेड यूनियंस के एम्प्लॉयज हो या कोई भी हो। परमानेंट नेगोशिएशन मशीनरी यानी PNM फंक्शन इन कितने टीयर में काम करती है? तो ये 3 टीयर में काम करती है, 3 लेवल पर काम करती है। डैश नंबर ऑफ मीटिंग हेल्ड एंड एट डिवीजन डिविजनल PNM की जो डिविजनल लेवल पर जो मीटिंग होती है वो कितने दिन में होती है, कितने उसमें होती है, कितनी मीटिंग्स अटेंड की जाते हैं? 3 नंबर्स ऑफ मीटिंग, 4 नंबर ऑफ मीटिंग, 5 नंबर ऑफ मीटिंग या 6 नंबर ऑफ मीटिंग? तो उसकी टोटल 6 नंबर ऑफ मीटिंग डिविजनल की होती है, एक साल में 6 मीटिंग उसकी की जाती है। नंबर ऑफ मीटिंग हेल्ड एट जोनल PNM, उसकी मीटिंग कितनी होती है? तो जोनल लेवल की जो PNM है उसमें 4 मीटिंग एक साल में की जाती है। नंबर ऑफ मीटिंग्स 2 विथ ईच फेडरेशन विथ हेल्ड एट बोर्ड लेवल, बोर्ड PNM लेवल, उसमें कितनी मीटिंग की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी बोर्ड लेवल पर भी PNM की 4 मीटिंग
ठीक है। इश्यू नॉट सेटल इन रेलवे बोर्ड PNM शैल बी रिफर्ड टू कहाँ? एडहॉक ट्रिब्यूनल, लेबर कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट पे नहीं जाएगी, हाई कोर्ट भी नहीं जाएगी, लेबर कोर्ट नहीं जाएगी, एडहॉक ट्रिब्यूनल जो बनाया गया है वहाँ पर वो रेफर कर दी जाएगी अगर रेलवे बोर्ड लेवल की PNM होगी, उसमें कोई मैटर शॉर्ट आउट नहीं होता है। GCM ज्वाइंट कंस्ट्रक्टिव मशीनरी, ज्वाइंट कॉमन मशीनरी, ज्वाइंट कंस्ट्रक्टिव मशीनरी, ज्वाइंट कलेक्टिव मशीनरी, तो ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, ठीक है, संयुक्त वार्ता तंत्र इसको नाम दिया जाता है हिंदी में। इन रेलवे GCM फंक्शन है, GCM कितने लेवल पर काम करती है? GCM 2 लेवल पर काम करती है, जबकि PNM 3 लेवल पर काम करती है। इसको याद रखिए, GCM जो है वो 2 लेवल पर फंक्शन करती है, जबकि PNM 3 लेवल पर वर्क करती है। पहला था डिविजनल लेवल, फिर जोनल लेवल और फिर बोर्ड लेवल। चेयरमैन ऑफ DJCM, ठीक है, DJCM के यानी डिविजनल जो चेयरमैन हैं DJCM के वो कौन हैं? JCM के जो चेयरमैन हैं वो कौन होते हैं? मेंबर स्टाफ CRB, मेंबर ट्रैफिक, मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मेंबर ट्रैफिक, मेंबर स्टाफ जो हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं। पार्टिसिपेशन इन इलीगल स्ट्राइक अमाउंट टू डाइज नो LWP, LHP, ब्रेक इन सर्विस। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रेक इन सर्विस। इलीगल स्ट्राइक में अगर पार्टिसिपेट किया जाता है तो ब्रेक इन सर्विस जो भी पीरियड रहेगा वो ब्रेक इन सर्विस कहलाएगा। PREM का फुल फॉर्म क्या है? पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज इन मैनेजमेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज इन मैनुफैक्चरिंग, पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज इन मेंटेनेंस। तो पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। तो दोस्तों ये रहे 61 क्वेश्चन जो हमने एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन के जो मिसलेनियस पोर्शन है उसको हमने कवर किया, जिसमें लीव से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन है, पेनल्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और SBI फंड से JCM PNM इससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया हो लाइक करें और शेयर करें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करें। थैंक यू फ्रेंड्स।